हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीगो वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी दिनों से वीगो वीडियो 90% यूज़र्स को फ्लेम नहीं दे रहा, लगभग कुछ ही यूज़र्स को फ्लेम मिल रहे हैं। पहले एक टाइम था जब वीगो वीडियो रोजाना 20 से 30 फ्लेम आसानी से दे देता था। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ दिनेश एंड यू आर वॉचिंग इंटरनेट पॉइंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अगर आपको भी वीगो वीडियो पर फ्लेम्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आपको फ्लेम मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो होम पेज पर वीडियोस होती हैं उन पर काफ़ी सारे फ्लेम्स अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लेम्स हर वीडियो पर होते हैं जो कि होम पेज पर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2553 फ्लेम्स अवेलेबल है। इसका यही कारण है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके शूट की जाती है और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से फ्लेम मिले तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, नेवर कॉपी अदर्स कंटेंट। आप कभी भी दूसरों के कंटेंट को कॉपी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वीगो वीडियो आपको एक भी फ्लेम नहीं देगा, और अगर आप रेगुलरली ऐसा करते रहेंगे तो वीगो वीडियो आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। सो गाइज, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी दूसरों के कंटेंट को कॉपी ना करें। सेकेंड थिंग, आप कभी भी वीडियो को गैलरी में से पोस्ट मत करें। अगर आप कोई भी वीडियो गैलरी में से पोस्ट करते हो तो आपको उस पर एक भी फ्लेम नहीं मिलता, इसलिए आप कोई भी वीडियो को गैलरी से पोस्ट ना करें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। देखिए, ये बंदा हमेशा हर वीडियो गैलरी में से पोस्ट करता है तो इसको एक भी फ्लेम इन वीडियोज़ पर नहीं मिलते। इन वीडियोज़ पर अच्छे खासे लाइक, कमेंट्स और शेयर होने के बाद भी इनको एक भी फ्लेम प्राप्त नहीं होता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गैलरी में से वीडियोस कभी भी पोस्ट ना करें। नेक्स्ट थिंग, डोंट पोस्ट मीनिंगलेस वीडियोस। गाइस, एक टाइम था वीगो वीडियो पर, तब आप इधर उधर से कोई भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते थे, उस पर आपको कुछ ना कुछ फ्लेम्स ज़रूर मिल जाते थे। लेकिन अब वीगो वीडियो ने अपने रूल्स को बदल दिया है। अब वो सिर्फ उन्हीं वीडियोस को फ्लेम देते हैं जिन पर थोड़ी बहुत मेहनत की गई होती है और जिनका कोई लॉजिक होता है। फ्रेंड्स, मैं खुद इसका एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इधर उधर से कोई भी वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहा था जिन पर मुझे एक भी फ्लेम प्राप्त नहीं हुए, और मैंने एक ही वीडियो, अपनी कॉमेडी वीडियो बनाकर पोस्ट की जिस पर मुझे 37 फ्लेम्स मिले, और उसके अलावा जो मैंने इधर उधर से वीडियोस पोस्ट की थी उन पर मुझे एक भी फ्लेम प्राप्त नहीं हुआ। सो गाइज, आप अगर कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। आप थोड़ी बहुत वीडियोज़ पर मेहनत करके ही वीडियोज़ को बनाएं। आज से 2-3 महीने पहले वीगो वीडियो किसी भी वीडियोस पर फ्लेम दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको वीडियोस पर फ्लेम पाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत तो करनी ही होगी। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सेलेक्ट योर कंटेंट। गाइज, आपको अपना एक कंटेंट सेलेक्ट करना होगा। आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। आपको हमेशा उसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनानी है। जी हाँ गाइज, आपको अपना एक कंटेंट ज़रूर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप अपना टॉपिक सेम रखेंगे और उस पर मेहनत करके वीडियोस बनाएंगे तो वीगो वीडियो आपको फ्लेम ज़रूर देगा। कंटेंट से मेरा मतलब कॉमेडी या सिंगिंग ही नहीं, आप किसी भी प्रकार का कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सुनील सुथार, ये मेरा फ्रेंड है, ये हमेशा क्रिकेट की वीडियोस अपलोड करता है। आप देख सकते हैं इसके टोटल 9.4 के फ्लेम्स हैं और इसे अभी तक 15 से 30 दिन ही हुए हैं वीडियोस पोस्ट करते हुए। आप देख सकते हैं इसकी वीडियोस पर काफ़ी सारे फ्लेम्स होते हैं, इसकी वीडियोस वायरल भी हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपना कंटेंट ज़रूर सेलेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आपको अपना कंटेंट हमेशा सेम रखना है और एक ही टॉपिक पर आपको वीडियोस बनानी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। जैसे पूजा शर्मा, इनका कंटेंट भी बिल्कुल सेम है। आप इनके अकाउंट को ओपन करके देख सकते हैं, इनके हर एक वीडियो एक ही टाइप की है और इनका टॉपिक हमेशा सेम रहता है। आप देख सकते हैं इनके टोटल 80.3 के फ्लेम्स हो चुके हैं। इसके अलावा मेरा एक और फ्रेंड है पीयूष राजपूत, ये कॉमेडी वीडियोस बनाता है। तो इस प्रकार से आप भी अपना कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है वैसा ही आप कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रेगुलर एक ही टाइप की वीडियोज अपलोड करनी है। तो इन सारी ट्रिक्स को अपनाकर और अपने वीडियो पर थोड़ी मेहनत करके आप वीगो वीडियो से डेली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप मुझे वीगो वीडियो पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर मुझे वीगो वीडियो पर फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आगे भी ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल इंटरनेट पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।